हेलो चिल्ड्रेन, टुडेज माय टॉपिक इज लाइन सेगमेंट रे एंड प्लेन। दीज आर द बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, सो लेट्स स्टार्ट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। कैसे? लेट्स से यह आपका लाइन है, यह क्या है? लाइन है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक मैंने हमने पार्ट ले लेते हैं, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी। इसमें जो इतना पार्ट हमने लिया है ये आपको क्या कहलाएगा? इतना जो हमने पार्ट लिया है इसे क्या, ये क्या कहलाएगा? इसे हम लाइन सेगमेंट कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज अ फिक्स्ड लेंथ, डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। आप इसमें देख रहे हैं टू एंड पॉइंट्स हैं। यह आपका फर्स्ट पॉइंट है और यह आपका सेकंड पॉइंट। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। पहला एंड पॉइंट ए है, दूसरा आपका एंड पॉइंट बी है। इसे हम मेजर कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट भी आपके वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या स्लैंटली होते हैं। अब इसके बाद हम रे के बारे में बात करेंगे। रे क्या होता है? रे लाइन का ही आपका एक पार्ट होता है। ये आपका लाइन है। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे आपका लाइन का पार्ट होता है विच कैन बी एक्सटेंडेड ओनली वन डायरेक्शन। इससे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, इसे एक वन डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। इसे हम सिर्फ एक डायरेक्शन में लेते हैं। ये आपका क्या है? रे है। चाहे आप इसे राइट डायरेक्शन में करें चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में करें, आपका इसमें वन आपका एरो हेड होगा। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड। इससे हम एक्सटेंड करेंगे ओनली वन डायरेक्शन, चाहे हम राइट डायरेक्शन में करें चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में करें। और इसकी कोई भी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है। रे में ओनली आपका वन एंड पॉइंट होता है। इसे आप देख रहे हैं, इसमें आपका वन एंड पॉइंट है। ये भी आप कर रहे हैं, इसमें आपका कितने एंड पॉइंट? वन है। इस एंड पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इसे हम कैसे शो करते हैं? इसमें आपका वन एरो हेड होता है, जिसमें दोनों साइड में एरो हेड होता है उसे लाइन कहते हैं। लेकिन जिसके ओनली वन साइड में एरो हेड होता है उसे हम रे कहते हैं। इसमें आपका ओनली वन एंड पॉइंट होता है जिसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं। यह आपका लाइन का ही एक पार्ट होता है। इसे हम रे में ओनली आपका वन एंड पॉइंट होता है जिसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इसे वन डायरेक्शन में ही हम एंडलेसली बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन क्या होता है? प्लेन को हिंदी में समतल कहते हैं, आप समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर द सरफेस ऑफ टेबल। एक टेबल ले लीजिए, उसका सरफेस लेंगे, सतह लेंगे। दीवार का जो सरफेस होगा, ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस होगा, ये सारे स्मूथ होते हैं और फ्लैट होते हैं। कहने का मतलब ये है,
आप प्लेन जो आप देख रहे हैं, ये एक मेरा पेज है, ये पेज है, स्मूथ है और फ्लैट है, स्मूथ है और फ्लैट है। कहने का मतलब यह है कि अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन, इससे हम चारों दिशाओं में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। वी कैन ड्रॉन सर्टेन फिगर्स, जैसे कि हम लोग स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेंगल है, सर्कल है, ओवल है, इसमें हम ड्रा कर सकते हैं। इसलिए इन सब फिगर्स को हम ट्रेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल को हम प्लेन फिगर्स के नाम से ही हम जानते हैं। प्लेन फिगर में ही इसे हम डायग्राम को प्लेन में ही हम प्लेन फिगर्स को ड्रा करते हैं। तो बच्चों आप लोग समझ आ गया होगा, लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, इसकी लेंथ फिक्स होती है, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, इसे हम कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद रे भी आपका लाइन का एक पार्ट होता है, इससे ओनली वन पार्ट, वन साइड में, वन डायरेक्शन में ही इंडस्ट्रियली बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्लेन के बारे में बात करें, प्लेन आपके एक समतल पार्ट, समतल होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स ड्रा कर सकते हैं, लाइन, ट्रेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। सो प्लीज एवरीवन लर्न अबाउट लाइन।